हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे सिर्फ एक कट से ये सुंदर सा बैग बनाना। बहुत ही इजी है इसे बनाना, बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है 20 इंच लॉन्ग का और 16 इंच वेट का। इसके साथ हम बुकरम रखकर इस पे चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बुकरम और मेन फैब्रिक की स्टिचिंग कर ली है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद सेंटर मार्क लगा लेंगे हम। अब देखिए, जो हमने मार्क लगाया है इस पर इस तरीके से किनारे पे हमें फोल्ड करके रखना है और ये सिरा भी सेंटर पे लाकर फोल्ड कर लेना है। अब देखिए, हमें मार्क लगाना है कॉर्नर का, तो कॉर्नर पे हम 3x3 इंच का स्क्वायर मार्क लगाएंगे। चारों कॉर्नर पर हमें ये लगाना है और कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये हैंडल के लिए फैब्रिक ले लिया है, जिसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आपस में रखकर स्टिच कर लेंगे। हैंडल को तैयार हो जाने के बाद देखिए, इस सीध पर हमें यहाँ पर 2 इंच पे मार्क लगाना है और इधर से भी 2 इंच पे मार्क लगाना है कॉर्नर से अंदर की साइड, और हैंडल को यहाँ पर रखकर हम स्टिच लगा लेंगे। कम से कम 1 इंच जो है मार्क से आगे रखेंगे हम, और इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड पे। इसी तरीके से दूसरी साइड का हैंडल भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हैंडल लगाने के बाद हमने 16 इंच लंबी जिप ले लेनी है, जिसे हम दोनों साइड पर स्टिच कर लेंगे। सेम साइज की हमने लाइनिंग ले लेनी है, जिसको कि हमें यहाँ पर जिप के यहाँ और यहाँ दोनों साइड पे स्टिच कर लेना। तो देखिए, हमने ये स्टिच लगा लिया है। इसके बाद हमें इसे यहाँ से राइट साइड को टर्न कर लेना है इस तरीके से। अब इसे अच्छे से बिछा लेंगे और जिप के एकदम किनारों पर स्टिच करते हुए लेके आएंगे। यहाँ पे भी जिप के एकदम किनारे पे स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए, जिप में हमने रनर डाल लिया है। अब हम इस बैग को पलट लेंगे और इस तरीके से दोनों साइड पे स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर स्टिच भी लगा लेनी है। साथ के साथ में हमने ये 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप भी स्टिच कर ली है, ताकि हम किनारों की फिनिशिंग भी साथ के साथ कर सकें। तो दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड पे स्टिच भी लगा ली और किनारों की फिनिशिंग भी कर ली। अब इस तरीके से हम कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे और साथ के साथ ये स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप रख के भी फिनिशिंग कर लेंगे। चारों कॉर्नर हमें स्टिच कर लेने हैं इसी तरह से।
तो देखिए बैग रेडी हो गया है। 9 इंच बाय 7 इंच इसकी हाइट जो है 7 इंच है और 9 इंच इसकी चौड़ाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सिंपल से सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाने की कोशिश की है ताकि बिगनर भी इसे आसानी से बना सके।